बात है अहमद, मुझसे कुछ काम था। हाँ, घर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, फिर नमाज के बाद मिलते हैं। उस मलून के पीछे नमाज पढ़ोगे? मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने घर वापस जा रहा हूं। नमाज को क्यों नहीं गए? गया तो था, तबीयत ठीक नहीं है, वापस जा रहा हूं। जाओ। क्यों दरवाजा नहीं खोला? तुम किससे बात कर रहे थे? निगहबान पूरे शहर में फैले हुए हैं, शायद उनका हाकिम मुआविया वासले जहन्नम हो गया है। वो नमाज के लिए भी नहीं आया। फिर नमाज किसने पढ़ाई? मरवान। मरवान ने? क्या खबर है? कुछ नहीं मालूम, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन शहर के हालात खराब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माविया का कत्ल हो गया और किसी को खबर ना हो और ये लोग हुकूमत पे काबिज हो जाएं? मरवान, वो मुआविया की जगह आना चाहता है। वो बहुत चालाक और धोखेबाज है। आज वो अकेला नमाज के लिए आया। मैंने कहा नहीं था? तो यजीद क्या, उसका क्या होगा? यजीद वो एक बेवकूफ और बेहुदा इंसान है। मुझे यकीन है मरवान उसको मरवा देगा। खुदा की कसम, अगर हारिस इजाजत दे तो कल ही मैं मरवान को उसके मुहाफिजों के दरमियान एक ही जरबत से हलाक कर डालूंगा। जल्दबाजी ना करो बेटा, हम खुद भी इजाजत नहीं रखते। हम हसन इब्ने अली के ताबे हैं, वो खुद मौलाए कायनात के फरमान का हुक्म जारी करेंगे। ये समझ लो कि हम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। रशीद को देखा? हाँ, आपका पैगाम पहुंचा दिया, वो नमाज के बाद आएंगे, इससे पहले आने की जरूरत नहीं थी। हक उसके साथ है, मुआविया का दरबान जो हुआ, नमाज पढ़ ली? नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था। खुदा उस पे लानत करे, अरे मेरी नमाज कजा हो जाएगी। सलाम अलैकुम रशीद। अलैकुम सलाम। क्या खबर है रशीद? कहाँ पर? वही महल में। सुना है कि माविया को हलाक कर दिया गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। सुना है कि माविया मारा गया, क्या ये बात सच है? कहते हैं खंजर ने उसके दिल को चीर दिया और उसकी जान निकल गई। कहते हैं कि खंजर जहरालू था। भाई अब क्यों खामोश हैं?
क्या कहूं, वो जो तुमने सुना है लोगों की, मोमिनीन की और यारान अली की दिली आरजू है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बताओ हकीकत क्या है। अगर हकीकत कहूंगा तो शायद बर्दाश्त ना कर सकोगे। बात क्या है, हमारी जान पे बनी है। मुआविया जिंदा है और बिल्कुल सही और सालिम है। उस शख्स के खंजर ने मामूली सी खराश के सिवा और कुछ नहीं किया और तबीब ने उसका फौरन मुआलिजा कर दिया। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उसे देखा है, हशाश बशाश चीख रहा था और कहकहे लगा रहा था, खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कैसी खुशी, कैसे बताऊं? उस शख्स ने ऐसी खबर दी जो बरसों से माविया की दिली आरजू थी और उसको सुनने के लिए बेचैन था। कौन सी खबर? यही कि मौला अली को जरबत लगी है और वो बिस्तरे शहादत पर है। ये झूठ है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब कासिद कूफे से पहुंचा और उसने खबर की तस्दीक की तो मुआविया अपने साथियों के साथ जिंदान पहुंचा। मुआविया ने उस शख्स को आगोश में लिया और बोसे देने शुरू किए। शिद्दत खुशी से लरज रहा था और उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वाह मुसीबत, हम सब यतीम हो गए। बड़ी अहम खबर, अमीर को खुदा ने बचा लिया। अमीर खंजर के वार से बच गया, तुम्हारी दुआओं ने उसे बचा लिया। अमीर ने तुम लोगों की दिल जोई की खातिर, तुम लोगों की दिल जोई की खातिर कातिल को सरेआम फांसी की सजा सुनाई है। तुम सब यहाँ जमा हो जाओ और अमीर को खुश करो, बस अमीर आने ही वाले हैं, बस अमीर आने ही वाले हैं। उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसकी सजा मौत होनी चाहिए, उसे मार डालना चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए। उसे मार देना चाहिए, उसकी सजा मौत होनी चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसकी सजा मौत होनी चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। उसे मार देना चाहिए, उसकी सजा मौत होनी चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। आए लोगों, ये कूफे का रहने वाला बदबख्त आदमी अमीरुल मोमिनीन माविया इब्ने अबी सुफयान के कसम खुर्दा और जानी दुश्मन अली की तरफ से भेजा गया है। कौन उसे नहीं जानता, हम सब जानते हैं कि इसका जहन साजिशों से भरा हुआ है और मोमिनीन को रसूल अल्लाह के जानशीन यानी मुआविया इब्ने अबी सुफयान के अजीज वजूद से महरूम करने के लिए इसने क्या क्या साजिशें की हैं। तुम सब इसे पहचानते हो, ये वही है जिसने सिफीन में तुम्हारे अजीज और अकारिब को खाक और खून में गलतान किया है। वही शख्स जिसकी नजर में किताब खुदा की भी कोई अहमियत नहीं। जान लो, ये वही शख्स है जिसने नमाज जो कि सुन्नत पैगंबर थी उसको छोड़ दिया, उसकी मुखालिफत की और उसे तर्क कर दिया। कौन उसे नहीं पहचानता, तो कौन है वो? ऐ लोगो, देखो और खुशियां मनाओ कि अमीर अल मोमिनीन तुम्हारे दरमियान सही और सलामत मौजूद हैं।
مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہیے، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آبا و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت و رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا. اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے، مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے؟ یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے. یہ علی پہ ڈال رہا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے. دیکھو، علی پہ الزام لگا رہا ہے. جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا. میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ تمہارا حق ہے. چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے، میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا. میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے. اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں. اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے. اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو. جو تم لوگ چاہو وہی ہوگا. میں اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، موت ہونی چاہیے، اسے مار. امیر، خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں، مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو. دیکھ، میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا. نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں؟ کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا. اے کمینے لعنتی منافق، تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا. میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں،
इस उम्मीद से कि वो शर्मिंदा होकर राह रास्त इख्तियार कर ले। मैं कूफे से आ रहा हूँ। इराक का लश्कर अबू तुराब की सरकर्दगी में हम पर हमला करने की साजिश कर रहा है। ए अमीरुल मोमिनीन, देखा, दुश्मन हमें एक लम्हा भी आराम से देखना नहीं चाहता। ये झूठ बोल रहा है, नकासिद और नकूफे से आ रहा है। यही महल का आदमी है, आज सुबह मैंने उसे महल में देखा है। लगाम दे अपनी जबान को, दुश्मनों के साथ कैसे पेश आऊं और कातिलों के खंजर से बचना जानता हूं, मगर तेरी बेवकूफी का इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ तो शैतनत सीख और अपने धुन को हुकूमत में लगा। तमन्ना है कि तुझे तख्त हुकूमत पर बिठा दूं। ऐ दमिश्क शाम के लोगों, आज तुम्हें वही इफ्तिखार मिलने वाला है जो रसूलुल्लाह के जानिसारों और सहाबियों को मिला। तुम में से जो भी आज हिमायत और नुसरत के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएगा, उसे वही सवाब मिलेगा जो रसूलुल्लाह के अस्हाब को। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चल आ मेरे साथ। मुझे यकीन है ये आदमी कूफे से नहीं आया। कूफा तेरे सर पे गिर पड़े। मैंने उसे यही देखा है। देखा होगा, ये सब लोगों को दिखाना था। अली हमारा दुश्मन है या नहीं? तो हमले का खतरा तो नहीं है ना? हमला कहना है, हमेशा हमले की बात करना है। अहमक, आखिर कुछ तो मुझसे सीख। ये क्या? Thank you.
वसीयत फरमाई है कि शब को गुसल दे और रात की तारीकी में दफन करें, अकेले लोगों के बगैर। शायद वो हजार रंग वाले चेहरे अपने जनाजे के अतराफ नहीं चाहते थे। अगर इराकियों में कोई हमदर्द होता तो अपने मुंह को कुएं में डाल के बातें न करते। इस बुजदिल जमात से किस कदर बेजार थे। अल्लाह के चाहने वाले अपने दोस्त की दीदार को इस तरह जाते हैं जिस तरह के फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तुम्हारे लिए गुलाम लेके आया हूँ। आओ आओ इन गुलामों को देखो, इससे पहले तुमने ऐसे गुलाम नहीं देखे होंगे। इसको देखो, इसके तरन्नुम को देखो, ये खिताबत में लाजवाब है, इसका कोई सानी नहीं है, ये बहुत होशियार और मेहनती है। और इसको देखो, ये रूमी पहलवानों की नस्ल का है, इसको मैंने फुस्ताद में 1000 सोने के सिक्कों का खरीदा है लेकिन फिर भी नहीं बेचा। लेकिन तुम्हारे शहर में सिर्फ अमीर की सलामती के लिए 500 सिक्कों का बेच रहा हूँ। देखो इन्हें, इनके कद्दोकामत को देखो। चलो उछल के दिखाओ, देखो तुम्हें कौन खरीदता है। इसके पास जो हुनर है उसकी मिसाल पूरे शाम और रूम में नहीं मिलेगी। वाह वाह, वो देखो, शहर शाम के बुजुर्ग और सरदार आ रहे हैं। ये मेरे आका और सरदार, आइए एक निगाह इन गुलामों पे डाल के देखिए। याकूब जैसा गुलामों का ताजिर पूरे शाम में नहीं मिलेगा। जरा इन पर नजर तो डालें, मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंच गई होगी। तुम्हारी सूरतें जानी पहचानी लगती हैं। क्या इससे पहले मैंने तुमको गुलाम नहीं बेचे? मुझे अच्छी तरह याद है मैंने तुम्हारे सरदारों को गुलाम बेचे हैं। तुम में से कितनों को मैंने गुलाम बेचे हैं? सरदार, आपको मैंने 4 गुलाम बेचे हैं। वो 4 गुलाम क्या आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि वो आपकी खिदमत कर रहे होंगे। तू? मैं? नहीं, वो। तू? इनमें से कौन सा? हराम खोर, मैं समझ रहा था कि तू सहरा में हलाक हो गया। मलून, तेरे खंजर से मेरी पुश्त अभी तक जख्मी है। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है, पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो, पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है, पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो, पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे। What's up?
जाओ, जल्दी से उसका पीछा करो, जाते क्यों नहीं? रास्ते बंद कर दो, इसे जाने मत दो, ये मुझे जिंदा चाहिए। आओ इधर आओ, इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लाओ मैं तुम्हारे हाथ खोल दूँ। आओ आओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ। आओ चाकू खरीद लो, तेज चाकू। आओ मेरे पास तेज चाकू है, खरीद लो। आओ आपको चाकू नहीं चाहिए? क्या भाव दे रहे हो? कहां से टूटा है? इन पैसों में इससे क्या मिलेगा? जाओ ले जाओ। दरवाजा खोलो, मैं हूं। चलो तुम अंदर चलो। अहमद क्या बात है? इसकी जान खतरे में। कौन उसे मारना चाहता है? नहीं मालूम, शायद माविया के निगेबान थे, मगर ये खूब लड़ा, एक हंगामा मच गया। इसने पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। काश आप वहां होते। इसकी तलवार ने जमीन और आसमान को एक कर दिया। अना जाने माविया के कितने फौजियों को इसने धूल चटा दी। और तुम उसे यहां ले आए? आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा यहां नहीं रहूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें तो मैं पानी पी के चला जाऊं। क्यों, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? मोहम्मद बर्दा फरोश हमें रोजा रखने की इजाजत नहीं देता। कहता है कि अगर रोजा रखोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे और तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। चलो पानी पी लो, पी लो। यार इस जवान ने पूरी हकीकत नहीं बतलाई, बस ये कहा कि मैं बर्दा फरोशों के बाजार में था, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं भी गुलाम हूँ। मुझे भी बेचने के लिए चबूतरे पर खड़ा कर रखा था। वो 500 सिक्के चाहता था और कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। बदकिस्मती से जिस मालिक के यहाँ से मैंने फ़रार किया था वो तुम्हारी शहर में मुझे ढूंढ रहा था, मुझे कत्ल करना चाहता था। और उसके बाद वही हुआ जो उस जवान ने आप लोगों को बताया था। तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया, मुझे कबूल नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे हलाकत से निजात तो दे दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे फिर पकड़ेंगे। तुमने एक जान की खातिर कई जानों को ख़तरे में डाल दिया, बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे अब जाना चाहिए। छत के ऊपर से जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो। या अली क्या कहा? क्या कुछ गलत कहा? मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा।
मैं कई बार इस नाम की वजह से ताजियाने खा चुका हूँ, मगर मुझसे रहा नहीं जाता। ये मेरे बाप ने सिखाया है। उठते बैठते बस मेरी जबान पर यही नाम आता है। तुम अली के दोस्तों में से हो, डरो नहीं, जवाब दो। बरदा फरोश ने मुझसे कहा था कि अगर शाम में अली का नाम ले लूं तो मेरा असर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अली की शहदाई अभी भी इस शहर में मौजूद है। अली वालों की झुरमट में आना तुम्हें मुबारक हो। अली। अमीर, तुम मुझे खूब पहचानते हो। मैं जंगोजिदाल, शमशीर जनी और बयाबान का आदमी हूं। महल सराओं, शहरों में रहने वालों के रस्मों रिवाज को मैं नहीं जानता, लेकिन शहरों में रहने वाले मेरी आदतों को बखूबी जानते हैं। अमीर, मैं रसूल के हक की कसम खा के कहता हूं कि अगर मैंने तेरा नानो नमक न खाया होता तो आज मैं इस शहर को उसके रहने वालों पर खराब कर देता। मेरे गुलाम को ये लोग चुरा कर ले गए और दिन दहाड़े बाजार में बेच रहे हैं। मैं जानता हूं इब्ने याकूब, कौन तुम्हें नहीं पहचानता। क्या हुआ इसके गुलाम का? हुक्म दिया है कि उसके बेचने वाले को कोड़े लगाएं और शहर के घर घर की तलाशी लें और गुलाम को पाकर दस बस्ता सरदार के हवाले कर दें। घबराओ नहीं इब्ने याकूब, मैं माविया इब्ने अभी सुफियान इसकी तलाफी करूंगा। मैंने अहम कामों के सिलसिले में तुम्हें यहां बुलाया है। उस गुलाम को मैं खरीदूंगा 10,000 सिक्कों का। घबराते क्यों? हाँ लाओ। किन अमीर? गुलाम हमारा और माल तुम्हारा। यकीनन हमारे गुलाम को चुराया है, न तुम्हारे। ठीक है, तुमसे मैं वादा करता हूं कि मैं उस गुलाम को लूंगा और उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लो, अब तो खुश हो जाओ, नाराज क्यों होते हो? गुलाम और कनीज से ज्यादा मुहिम काम पड़े हैं, फुर्सत नहीं। लेकिन अमीर के सिक्कों की आवाज सुनने के लिए फुर्सत बहुत है हमारे पास। हाँ देखो। अब सुनो, तुम सब ने मुझसे अहद पैमान किया है, हमेशा मुश्किल मौके पर एक दूसरे के यार यावर रहे, हमारे दरमियान मोहब्बत बरकरार थी। अमीर के सोने के सिक्कों और हमारी तलवारों ने हमेशा इस मोहब्बत को बरकरार रखा है। अब बस करो, अबू तुराब से जंग दरपेश है। आय अमीर, तुम्हारे बेटे की जान की कसम, अबू तुराब को उनके हाल पर छोड़ दो। हमें उनसे कोई काम नहीं, उनसे जंग करके सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ ना आएगा। अमीर, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे कबीले वालों की अभी जंगे सिफीन की थकन भी नहीं उतरी है। मेरा कबीला छोटा हो गया है। मेरे कबीले की औरतों के यहाँ इतने बच्चे नहीं पैदा होते कि जो जंग के कुश्तों का जुबरान हो सके। उसने एक जरबत में हमारे दो बेटों को खाक में मिला दिया, वो भी उस जुल्फिकार के जरिए, अपने पाबरहना साथियों के साथ। मुझसे तो इस तरह लड़ रहा था गोया उहद खंदक के काफिरों से लड़ रहा है, ये नहीं सोचा कि हम भी मुसलमान। तुम आखिर मुसलमान ही कब हुए जिसकी हमें खबर होती? लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान नहीं हूं। हमारी खुशख्याली तो देखो, हमने सोचा कि रूम से जंग दरपेश है जिसका मजा हम चख चुके थे। आपका पैगाम मिलते ही हम फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो। रूम के शहर तो आबाद हैं। अब अगर हम जंग करेंगे तो उसके एवज में हमें कोई माल गनीमत, कोई खजाना, कोई गुलाम मिलना चाहिए। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। गोया तुम्हें खबर नहीं है कि अबू तुराब अब बिस्तर मर्ग पे है। झूठ है, अबू तुराब बिस्तर पर मरने वाले नहीं है। तलवार से जख्मी हुआ है, सर में गहरा जख्म है उसके। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, कोई तलवार इतनी बड़ी नहीं है कि जो उन तक पहुंच सके। मैंने खुद आजमाया है। क्यों नहीं हो सकता, नमाज की हालत में, मेहराब में, पीछे से वार किया उस पर। अमीर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? एक मजाक की खातिर मैंने तुमको तुम्हारे बीवी बच्चों से अलग नहीं किया ताकि तुम दमिश्क की गलियों में अपने खोए हुए गुलाम की तलाश में ठोकरें खाते फिरो। अहम मसला है, मैं जिस मौके की तलाश में था वो मौका आ चुका है,
सिपाही कूफा की कमर टूट चुकी है, बगैर अबू तुराब के मुकाबले की ताब नहीं रखते। एक हमला करके काम तमाम कर देंगे और अली को हमेशा के लिए अपने दरमियान से हटा देंगे। बताओ, बता दो। सुनो, कूफे से कासिद आया है, अली को रात को गुस्ल दिया है, उनके जनाजे पर नमाज पढ़ी गई और खुफिया तौर पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। ए शाम वालो, जान लो और बाखबर हो जाओ कि अली इब्ने अबी तालिब अपने एक चाहने वाले की तलवार से कत्ल कर दिए गए। इसकी वजह से पूरे इराक में फितना और फसाद खड़ा हो गया है। फितना गर इस आग को शाम तक फैलाना चाहते हैं। जो तलवार उठा सकता है अपनी तलवार उठा ले और फितना गर के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। ये दरबदरी और जिलावतनी बर्दाश्त की, मुझे असीरी बर्दाश्त करना पड़ी, गुलामी झेलनी पड़ी, ताजियाने खाने पड़े, मुसीबतें बर्दाश्त की, इसी उम्मीद में कि अपने बाप की वसीयत पर अमल कर सकूं और अली के कदमों तक पहुंच सकूं। मगर अंजाम क्या हुआ, लेकिन मैं अभी तक शाम में हूं, माविया के कुत्तों के खौफ से इस घर में पोशीदा हूं और खवारिज के भेड़ियों ने मेरे मौला को शहीद कर डाला। अगर आज हमारे लिए शब अज़ा है तो मुआविया के लिए ईद है। वो खुद को बिला मुकाबला खिलाफत का वारिस समझता है, अतराफ के कबीलों के सरदारों को जमा किया है और कूफे पर हमले का इरादा रखता है। कबल इसके कि अली का जानशीन मुअय्यन किया जाए, कूफे पर कब्जा कर लें। पदर, आप जानते हैं मौला का जानशीन कौन होगा? अगर कूफे वाले हक़ और इंसाफ से काम लें तो अबा मोहम्मद को होना चाहिए। हमारे लिए मुहिम नहीं है कि कूफे वाले किसको चुनते हैं, हमारी नज़र में तो जानशीन हसन इब्न अली हैं। हमको अहले कूफा की राय से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। हमें न कूफे वालों की बेयत पर एतमाद है न उनकी खयानत की फिक्र है। हम मजबूर नहीं है कि हर किसी के आगे गर्दन झुका दें। हम हसन इब्न अली की बेयत कर लेते हैं और हमारे ख्याल में इमाम अली के तमाम बावफा दोस्तों को भी इनकी बेयत कर लेनी चाहिए। अब हमारा बस एक ही वजीफा है, वो ये है कि अबा मोहम्मद को माविया के फितनों से जल्द ही आगाह कर दें। जाओ, तुम्हारे पास क्या है, खाओ।
जाओ। कौन हो? सबका पानी ले जाओ। जाओ। हे मर्द पुरुष इधर है। कहाँ है? कहाँ? वहाँ है दरवाजे के पास। मुसाफिर हैं, बाजार जा रहे हैं। तुमने हमारा ऊंट चुराया ना? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। नहीं मैंने नहीं चुराया, झूठ बोलते हो। मैंने खुद देखा, अपने आंखों से देखा। झूठ बोलते हो, तुमने कुछ झूठ बोलते हो। मैं तुम साला कुछ नहीं, झूठ बोलते हो। मैंने कोई चुराया नहीं, कुछ नहीं है। नहीं मैं नहीं छोडूंगा, मैं इसको नहीं छोडूंगा। नहीं मैं चुराया नहीं, मैंने चुराया नहीं। छोड़ दो ना, इसी ने छोड़ दो ना। नहीं नहीं इसी ने चुराया नहीं। हम का इल्जाम लगाते हो मुझ पर? छोड़ दो, नहीं ऐसे दम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? छोड़ो छोड़ो, हम इल्जाम लगाते हैं। छोड़ो, नहीं मैंने चुराया नहीं। इसी ने हम का इल्जाम लगाते हैं, इसको हमें मार देना है। छोड़ो, नहीं छोड़ना। देखा, छोड़ो ना। जंगली हो गए,